हमें जानकारी लेने के लिए पैसे देके वकीलों के ऑफिस में जाना पड़ता है। आज आपके सामने यहाँ पर न्यायालय खुद चल के आया आपके सामने, वकील आपके सामने बैठे हैं, अपना अमूल्य समय आपको दे रहे हैं। तो इसका सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जहां भी ये शिविर अगर आयोजित हो रही है वहां आप जाएं और सुने, और सुनने के बाद आपकी जो समस्या है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आपको समाधान किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा नाम आशीष शेख है, मैं एलएलबी लॉ का स्टूडेंट हूँ थर्ड ईयर का। और ये जो आज हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ये वसई तालुका वकील संघ की तरफ से ये जो प्रोग्राम था ऑर्गेनाइज इधर पापड़ी वसई में ऑर्गेनाइज हुआ था, और हमारी मैत्री संस्था और खिदमतुल ट्रस्ट के इन्होंने भी इसमें आयोजित करने में इनका भी हाथ है। और इसमें जो है वसई कोर्ट के माननीय श्री जायसवाल सर जज, और माननीय श्री जाधव सर जो वसई कोर्ट के जज है वो आए थे, और उनके साथ ही 5 से 6 एडवोकेट थे जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ के लोगों को गाइड किया, और लोगों ने इस जो प्रोग्राम का बहुत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और हम लोग यही कोशिश करें कि हर लोगों तक ऐसे प्रोग्राम पहुँचते रहे और हम लोग ऐसा ही काम करते रहे। थैंक यू। मेरा नाम फिरोज इब्राहिम खान है, मैं पापड़ी वसई में समाज सेवा काम करता हूँ। इस कार्यक्रम रखने का मकसद हमारा ये था कि हमारे जो आसिफ नासिर शेख है वो हमारे अभी एडवोकेट बनने वाले हैं, साल की पढ़ाई होने के बाद अब कुछ ही महीनों में वो एडवोकेट की डिग्री पा लेंगे। तो उस डिग्री के लिए हम उसको एडवोकेट के इसमें उसको एक इसमें लाने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा गया था, ताकि आसिफ भाई का भी थोड़ा सा नाम हो गया, और उनका भी कुछ आसिफ ने यहाँ किया, बल्कि इस सिलसिले में मकसद हमारा ये था कि बाबा एडवोकेट को लाने का और लोगों को मार्गदर्शन करने का कि इंसाफ कैसा मिलता है, कोर्ट में कैसे न्याय मिलता है। इस सिलसिले में हमारा मकसद यही था। तो इस सिलसिले में हमारे हमने हरीश गौर हमारे जो एडवोकेट साहब हैं वसई के, उन्होंने हमें अच्छी मदद की, और बाकी के सब वकीलों ने भी हमको अच्छा सहकार्य किया, बल्कि मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कायद्याचं आपल्याला ज्ञान नाही किंवा कायद्याचं आपल्याकडे आपल्या अधिकाराचं आपल्याला माहिती नाही, या संदर्भाने अनेक वक्त्यांनी उत्कृष्ट आपल्याला माहिती दिली, आणि खरंच ह्या कार्यक्रमाचं औचित्य देखील त्यामागचं हेच आहे की सर्वसामान्य जनतेला कायद्याचं ज्ञान द्यावं। त्या शिबिराच्या माध्यमातून आपल्याला कायद्याचं, तुमच्या अधिकारांचं, तुमच्या कर्तव्यांचं तुम्हाला ज्ञान द्यावं, तुम्हाला माहिती करून द्यावी। आणि खरं सांगतोय की बरेचदा हे जे आपल्याला कायद्याचं ज्ञान नसतं, आपल्या अधिकाराची आपल्याला जाण नसतं, त्यामुळे की नाही प्रकरण हे जे अन्यायाला वाचा फुटत नाही। आणि यामागचा उद्देश असाच आहे की कोणीही न्यायापासून वंचित राहू नये, आणि त्या ह्या सगळ्या उद्देश सामोर ठेवून आम्ही लोक तुमच्यापर्यंत हे मार्गदर्शन करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करीत असतो। परंतु खरं असं पण ऐका की आपण खरंच कायद्याच्या अनभिज्ञतेमुळे देखील प्रकरण वाढतायत असं आहे का, की नुसतं आपल्याला कायद्याचं नॉलेज नाही म्हणूनच प्रकरणाची संख्या वाढतीय असं आहे का? तसं देखील हा एकमेव कारण नाही असं माझं मत आहे। प्रकरणांचं क्लिष्टता वाढण्यामागे किंवा प्रकरणांची संख्या वाढण्यामध्ये आपल्या लोकांची मानसिकता देखील तेवढीच कारणीभूत असावी असं माझं प्रांजळ मत आहे। कारण बरेचदा असं आपण सर्व श्रेष्ठ मंडळी ते बसले आहेत, म्हणून मी माझं मत व्यक्त करतोय की आमच्याकडे असलेल्या प्रकरणांमध्ये आम्ही असं पाहतोय की एका पती पत्नीचा वाद असतो किंवा कौटुंबिक वाद असतो, त्या वादामध्ये आम्हाला पत्नी ती मुलगी म्हणजे अर्जदार किंवा गैर अर्जदार आमच्याकडे का अर्ज करतो की आम्हाला आमच्या पाल्यांना भेटण्याचा आपल्या न्यायालयाने आदेश करावा। खरंच हे किती शोकांतिक आहे बरं, म्हणजे आपल्या मुलाला भेटण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते। म्हणजे थोडक्यात असं आहे की आपली जी मानसिकता बिघडलेली आहे, आपण व्यवस्थित आपल्या पाल्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करत नाहीये, त्यामुळे ह्या असल्या प्रकरणामध्ये
गोंधळ किंवा ते त्यांची संख्या जास्त वाढती आहे. एका परीक्षेमध्ये एक प्रश्न विचारला गेला होता की बँकामध्ये कोट्यवधी रुपयाचे घोटाळे होतात, बँकेमध्ये कोट्यवधी रुपयाचे घोटाळे होतात, परंतु त्या बँकेमध्ये दोरीला वाजलेला पेन कोणी चोरून घेत नाही. तर तिथे का त्या प्रश्नाचं उत्तर एका प्रतिभावंत विद्यार्थ्यानं एका विद्यार्थ्याने एवढं सुंदर उत्तर दिलं की लक्ष्मी चोरीला जाऊ शकते पण सरस्वती चोरीला जाऊ शकत नाही. तर यहां पे कहा गया की बच्चों के लिए जो कानून है, बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते उसके बारे में हम पेरेंट्स ने सजग रहना चाहिए, उनके उनके मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए. इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, मेरा 3 साल का बच्चा है छोटा, तो मैं देखता हूँ कि वो मोबाइल कब यूज करता है, कब मांगता है मोबाइल. जब वो मेरे हाथ में मोबाइल देखता है ना, तो उसे भी लगता है कि उसके हाथ में मोबाइल चाहिए. तो बच्चे जो सीखते हैं घर में, तो हमसे सीखते हैं कि हम कैसे रहते हैं घर में, उससे ही बच्चे सीखते हैं. और बच्चों को ये पता नहीं है कि मोबाइल में अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो हम तो दे देते हैं उनके हाथ में मोबाइल, उसके बाद में वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं, किससे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, ये बातें हम तक नहीं पहुंचती, इसकी वजह से ये सब बातें होती है. और जैसा हरीश सर ने कहा कि लीगल एड के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, एक 2-4 दिन के पहले की बात है सर, सबको खास तौर से बताना चाहूंगा कि एक आरोपी आला होता माझ्याकडे आणि 279 एक्सीडेंट का केस था उसके ऊपर, और उसको बोला गया कि गुनाह कबूल है क्या तुझे, तो बोला मुझे गुनाह कबूल है. उसके बाद में मैंने उसे बताया कि अरे क्यों कबूल कर रहा है गुनाह, तो उसने बोला कि साहब मेरे पास वकील लगाने के लिए पैसे नहीं है. तो मैंने बोला कि 6 महीने की सजा हो सकती है तुझे, फिर भी बोला कि मैं सजा काट लूंगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. तो ऐसे ही लोगों के लिए ये सब बना है, जिनके पास अगर आपके पास पैसा नहीं है इसकी वजह से आप न्याय नहीं मांग सकते, कोर्ट में झगड़ नहीं सकते, तो ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही न्याय इंसाफ मिल रहा है और गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है. इसी के लिए ये लीगल एड की सुविधा शुरू कर की गई है कि आपके पास पैसा नहीं हो, आप महिला हो, सीनियर सिटीजन हो, अगर आप वकील नहीं लगा सकते, उनकी फीस नहीं दे सकते, उनसे सलाह नहीं मांग सकते, तो आपको इस स्कीम के अंदर आपको मुफ्त फ्री में वकील और सलाह दी जाती है. तो इसीलिए मैंने उसको भेज दिया लीगल एड के ऑफिस में, उसके बाद में वकील साहब उसको दिए गए, फिर वो आए और उसका केस अभी चल रहा है, और मेरे ख्याल से वो उसको अच्छे से केस चलेंगे तो उसको सजा भी नहीं होगी. सर आज क्या कार्यक्रम था? आज आजादी के 75 वर्ष में ये के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे जमा हुए हैं, और विधिक साक्षरता शिविर आप देख रहे हैं कि पीछे बोर्ड है हमारे, उसके उपलक्ष्य में कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं और इसके लिए शिविर आयोजित किया गया है. सर यहाँ बहुत कुछ चीज़ों का मार्गदर्शन लोगों को दिया गया है, जिसमें खासकर बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि अगर वकील के लिए पैसा, वकील करने के लिए पैसा नहीं है तो किस तरह से क्या किया जाए, इसके बारे में. इसके लिए सर ये कार्यक्रम बनाया आयोजित किया गया कि सरकार की जो स्कीम है नालसा और मालसा की, उसके अंदर जो विविध योजनाएं हैं कि लीगल एड का जो प्रोग्राम है, लोक अदालत है, तो लीगल एड में जिसकी वजह से आपने क्वेश्चन किया कि जिसके पास वकील लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये जो मालसा है उसके अंतर्गत भी जो योजनाएं हैं कि आपके पास वकील नहीं है तो आप विधि न्यायालय जिला में और तालुका में बनाया गया है, आप वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, आप अपनी कठिनाई बता सकते हैं कि हमें किसी स्वभाव के कारण हम वकील नहीं कर सकते हैं, तो आपको वकील दिया जाएगा और वो निशुल्क दिया जाएगा, और उसके द्वारा वकील के द्वारा पूरी केस आपकी डील की जाएगी. क्या ऐसा कोई बंदा नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से या न्यायालय की तरफ से जो उनके निवारण के लिए आगे आएगा और उनके से जानकारी लेगा? इसके लिए पैनल ही है, वो आप वकील वहाँ जाएंगे तो बहुत हर तरह की जो केसेस होती है कोर्ट में उसके हिसाब से अलग अलग एक्सपर्ट एडवोकेट हैं पैनल पे, और उसके हिसाब से जो आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको वकील नियुक्त किया जाता है और वो एक्सपर्ट रहता है उसमें, वो आपके केसेस चलाता है. मैडम एक सवाल आपसे है, आपने अपने स्पीच में कहा कि अगर पुलिस के केस एंट्री नहीं करे तो उसके बारे में क्या थोड़ा जान. पुलिस अगर हमारी जो कंप्लेंट है वो नहीं ले रहे तो हमारे पास उनके जो उनके ऊपर के जो अधिकारी हैं
उनके पास जाना का जाने का प्रावधान है। जैसे आपको आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में चले गए, एक आपके यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ चले गए, आपकी कोई कंप्लेन नहीं लीजिए रही, नहीं ले जा रही है, तो आप उनके जो अधिकारी हैं उनके पास जा सकते हैं। अगर वो भी आपकी कंप्लेन नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए कोर्ट में लीगल पैनल है, वो लीगल पैनल द्वारा आपको वकील उपलब्ध किए जाएंगे और वो वकील के सलाह से और उनकी मदद से आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और वो कोर्ट में केस फाइल करने के बाद आपकी जो समस्या है वो केस ही वो जो जो समस्या है उस कंप्लेन में आप देकर और वो अगेंस्ट में आप FIR करवा सकते हैं। पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा कि जो है कोर्ट के अंदर ऐसी कोई गवर्नमेंट ने सुविधा या ऐसा रेडियो कोर्ट रखा है? हाँ, इसीलिए तो हम आज आए हैं, क्योंकि 75 इयर्स होने के बाद भी ये पब्लिक को पता नहीं है कि भाई हमारे लिए ऐसा कुछ है। तो यही हमारा आज का प्रण क्या है कि हर एक नागरिक को पता चले कि भाई उनके अधिकार क्या है और उनको आके हम ये मार्गदर्शन क्यों कर रहे हैं कि भाई आपके लिए भी पैनल में एडवोकेट रखे हैं जो आपको सलाह देंगे, आपके अधिकार क्या हैं वो बताएंगे। तो आज हमारा आने का मकसद ही यही है और हम ऐसा एक कार्यक्रम करके और लोगों को और जन जागृति कर रहे हैं। महिलाएं अपने साथ में होने वाले अत्याचार से किस तरह से अवेयर हो सकती है? महिलाओं के लिए बहुत सारे कायदे बने हैं, मतलब 1993 में जब मानव अधिकार बना तो मानव अधिकार में स्त्रियों के लिए एक स्पेशल प्रावधान किया गया, क्योंकि इससे पहले स्त्रियों के लिए ऐसी कोई खास फैसिलिटीज़ नहीं थी, मगर वो 1993 में मानव अधिकार में स्पेशली लेडीज़ के लिए ये बनाया गया कि स्त्रियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। स्त्रियां उतनी ही अपनी अधिकारी हैं, क्योंकि हमारा जो ये भारत देश है ये पुरुष प्रधान देश है, इसमें कहीं महिलाएं हैं वो मतलब अपने पर होने वाले अत्याचार को बता नहीं पाती, कह नहीं पाती, तो उनको कहाँ जाना है? तो इसीलिए हम आए हैं बताने के लिए कि उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस दाखिल कर सकती है, 498A दाखिल कर सकती हैं, फिर उनका विधवा स्त्रियां हैं उनके भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनकी पहले शादियां नहीं होती थी तो अभी विधवा पुनर्विवाह के भी कायदे बन चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अंधविश्वास है, अंधविश्वास में ऐसा है कि किसी स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, ये करते हैं, ये सब बातें अब पिछड़ी रह गई है। तो इनके लिए हम अंधवास जो हमारा कार्यक्रम है इसमें ऐसा है कि हम ये सब अंधविश्वास दूर करें कि भाई किसी लेडीज़ का बच्चा ना होना ये कोई तांत्रिक मांत्रिक चीज़ें नहीं है। तो इसके लिए हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि आपके लिए इसके लिए भी कायदे बने हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कोर्ट में आके सलाह ले सकते हैं। सर, आपका टॉपिक था वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक को किस तरह से कानून का फायदा उठाना चाहिए? अभी वरिष्ठ नागरिक के बारे में मैंने आपको बोला है कि उनकी जो समस्या है वो काफ़ी समस्या है, जैसे आप ये शॉर्ट में बोलते हो, उनका हेल्थ समस्या है, उनका खाने पीने की समस्या है, बाद में उनको किधर घूमने के है वो उनकी समस्या है, जो गवर्नमेंट के स्कीम है पेंशन या जो उनके गवर्नमेंट का जो सुविधा है वो उनको मिलनी चाहिए। अभी उसके लिए उनको कैसा है कि अभी मैडम ने बोला है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो मतलब घरगुती हिंसा, वो घरगुती हिंसा महिला के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। अगर कोई बच्चा या बेटी अपने माँ बाप को अगर हिंसा करती है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस के तहत नीचे आप कोर्ट में ये कर सकते हैं। अभी वरिष्ठ नागरिक जो है वो जो एक उनका जो एरिया का जो समाज सेवक रहेगा या वकील रहेगा उनके थ्रू वो आ सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक को ये भी अधिकार है कि अगर वो पुलिस स्टेशन में जाके भी मदद ले सकती है, वो मदद सिर्फ चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो उनको कोई स्कीम की हो या चाहे उनको कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में मैंने सुना है मतलब पढ़ा है कि जिनको खाना पीना भी नहीं मिलता था उनको भी पुलिस ने धक्के दिया, जिनको उनको डॉक्टर के पास जाना था वो भी पुलिस ने उनको हेल्प किया क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में लेके किया। तो वरिष्ठ नागरिक के लिए ऐसा है कि आपके एक संगठन बना सकते हो कि जो वरिष्ठ नागरिक के जो प्रॉब्लम्स है आप किसी के पास शेयर कर सकते हो और आप सामने आ सकते हो।
और इसे जो है ताकि उनकी जो प्रॉब्लम जो है किसी के यानी वकील के सामने आते भी, जैसे हरीश साहब ने या सुजाता मैडम ने बोला कि लीगल एड यानी विधि सेवा एक कोर्ट में है, अभी सीधी सी बात है अभी उनको कैसा पहुँचना है, जिधर कोर्ट है उधर वो डिपार्टमेंट है, उधर वो कार्यालय है, उधर आप किसी पे कोर्ट में आके सिर्फ आपको कोर्ट जाना है उतना आपको आना पड़ेगा, उधर जाके आपको पूछना पड़ेगा कि लीगल एड हमको मुफ्त विधि सेवा चाहिए, तो उधर आप आओगे तो वरिष्ठ नागरिक का भी जो प्रॉब्लम है आपको सबका आपका समस्या हल होएगा, आपको गाइडेंस मिलेगा कि किधर कौन सा डायरेक्शन में आपको जाना है। ना आपने अपना स्पीच दिया एकदम थोड़ा एग्रेसिव था, आपका सब्जेक्ट क्या है और वो सब्जेक्ट आज के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एग्रेसिव इसके लिए क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे जो है वो उनकी जो दिमाग पे बच्चों के दिमाग पे आजकल जो प्रभाव हो रहा है वो सिर्फ मोबाइल का ही नहीं है, अपने घर के झगड़े, अपने आजू बाजू का जो माहौल है उस चीज़ में अभी बच्चे जो कोरोना के काल में पढ़ाई जो कुछ चल रही थी, स्कूल बंद है, स्कूल बंद होने की वजह से मोबाइल पे पढ़ाई चल रही है, ये मोबाइल पे बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके साथ कुछ और भी गलत हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आज हम न्यायदान के हिसाब से आपको ये सब नॉलेज तो देने आए हैं कि भाई लड़कों के क्या बच्चों के लिए क्या कायदे हैं, लेकिन बच्चों के कायदों के साथ बच्चों की सेहत, उनकी मानसिकता, उनकी शारीरिक शोषण तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ों में अपना क्या रोल होना चाहिए, इस चीज़ में थोड़ा सा प्रभाव डाल के हम लोग बच्चों के लिए सेफ्टी और उनकी मानसिकता, उनका जो पढ़ाई लिखाई है उसके साथ उनका प्रोटेक्शन भी कितना ज़रूरी है, उनके साथ होने वाली जो मोबाइल की तरफ से जो कोई होने वाली उनके साथ बदसुलूकी है, हाँ हाँ जी बदसुलूकी, क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल पोर्नोग्राफी जो लैंगिक शोषण बच्चों का हो रहा है, तो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी आपको दिखाई जा रही है कि भाई आज एक नाम ले नहीं सकते इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत फिल्मों में जो फिल्म सिटी के सबसे बड़े मशहूर ऐसे लोग जो है जो बच्चों के साथ जो कोई खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठानी बिल्कुल ज़रूरी है। हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चों के लिए जो अधिकार है वो बच्चों के लिए अधिकार होना और उनका अधिकारों के साथ उनको सुरक्षा देना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अधिकार तो हम लोगों को पता है लेकिन सुरक्षा के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या नहीं जा सकते, फिर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद हम लोगों का कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, लेकिन बच्चे तो पुलिस स्टेशन में जाके वैसे ही डरेंगे क्योंकि पुलिस अगर आते हैं अपने सामने तो बच्चे तो वैसे ही डर जाएंगे, तो उनके लिए कौन है? तो उनके लिए बाल कल्याण समिति है जो चाइल्ड के लिए ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे प्रोबेशन ऑफिसर रहते हैं वैसे ही चाइल्ड के लिए बाल कल्याण समिति के लेडीज़ लोग रहते हैं, वो उनको बच्चों को अच्छे तरीके से समझ के उनकी मानसिक बौद्धिकता को समझ के और उनके पास से जो कुछ जानकारी हासिल करके पुलिस को इतला करती है और वो जानकारी दे के वो केस को दर्ज करने के लिए मदद करती है। सर अंत में कुछ आह्वान करना चाहिए? मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे देश में एक्ट बनते हैं लेकिन उसका एक्शन नहीं है, तो एक्ट तो बहुत बनते हैं और वो एक्शन किस तरह से होने चाहिए उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, इसके लिए हम ये जो साक्षरता विधि साक्षरता शिविर जो आयोजित कर रहे हैं ये हर जगह हो रही है कि लोग अवेयरनेस हो, अपने अधिकार जाने, अपने अधिकार जानने के बाद वो समाज में अच्छी तरह से रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और उनको उनका जो अगर अधिकार है अगर उनका हनन होता है तो उसकी वो मदद मांग सकते हैं, अगर कानून की जानकारी नहीं है तो इसके लिए जो क्राइम जो रेट बढ़ रहे हैं चाहे महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आप देख रहे हैं कि पहले न्यायालयों में केसेस महिलाओं से जो रिलेटेड डीवी और डिवोर्स की केसेस है, आज सबसे ज़्यादा इस साल उसे न्यायालय में महिलाओं का जो डिवोर्स का और डीवी का केसेस है सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई है, ये क्यों? क्योंकि एक तरह देखा जाए तो जागरूकता बढ़ी है और एक तरह देखा जाए तो केसेस दाखिल होने के कारण क्यों जागरूकता बढ़ी है कि हमारे पास अन्याय अगर हो रहा है तो हम कोर्ट में जा रहे हैं और केसेस दाखिल हो रही है, और दूसरी कारण ये है कि कहीं ना कहीं अगर लॉ का मिसयूज हो रहा है और हमें उसकी मालूमात नहीं है तो
न्याय सबके लिए, जो हमारा लोगो है कि कोई भी वंचित ना रहे न्याय से और पैसे का भाव में। तो ये जो मिशन है, सबको न्याय मिले, सबको प्रयोजन जो दिया गया कि कानून के सामने सब लोग एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कानून सबके लिए एक समान न्याय देता है। और इसके लिए जो विधि का जो नॉलेज होना चाहिए कानून का, वो प्रचार प्रसार करने के लिए मालसा नालसा के तहत हम ये साक्षरता शिविर भारत के 75 वर्ष होने के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है और ये 14 नवंबर तक मनाया जाएगा। ये तालुका के हर जगह हर रोज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं अलग अलग, और अलग अलग सब्जेक्ट में समाज के जो लोग हैं उनको किस सब्जेक्ट पे जानकारी चाहिए वो बोलते हैं, उसके ऊपर जानकारी दी जाती है। मैं यही चाहूँगा कि इसका सभी नागरिक ने भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि हमें जानकारी लेने के लिए पैसे दे के वकीलों के ऑफिस में जाना पड़ता है। आज आपके सामने यहाँ पर न्यायालय खुद चल के आए आपके सामने, वकील आपके सामने बैठे हैं, अपना अमूल्य समय आपको दे रहे हैं। तो इसका सभी से मैं निवेदन करूँगा कि जहाँ भी ये शिविर अगर आयोजित हो रही है वहाँ आप जाएं और सुने, और सुनने के बाद आपकी जो समस्या है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आपको समाधान किया जाएगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।